अध्याय 4 तेनाली रामन। बात बहुत पुरानी है। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बड़ा नाम था। उनके दरबार में अनेक विद्वान थे। तेनाली रामन एक विदूषक था। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर था। शब्दों का तो वह जादूगर था। उसने निश्चय कर लिया था कि वह एक दिन राजा कृष्णदेव के दरबार में अवश्य जाएगा। कहावत है, जहां चाह वहां राह। एक बार कृष्णदेव राय के राजगुरु थट्टाचार्य तेनाली के गांव में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। थट्टाचार्य ने रामन की सहायता करने का वचन विद्वानों की सभा में वाद विवाद हो रहा था। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि, पर ये सब ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती है, हम केवल ऐसा मान लेते हैं। रामन अचानक बोल पड़ा, मान लीजिए हम कोई चीज खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना काफी है कि हम वह चीज खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। अब तेनाली रामन ने कहा, भाइयों, भोजन तैयार है, आइए हम सब भोजन करने चलें। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिए। रामन का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। तेनाली रामन के विषय में कई कहानियां प्रचलित हैं। जैसे तेनाली रामन के पास राजदरबार में रहने के कारण बहुत धन जमा हो गया था। एक दिन उसने देखा कि उसके घर के समीप कुछ चोर घूम रहे हैं। वह उनका इरादा भांप गया। उसने चोरों को सुनाकर अपनी पत्नी से कहा, देखो आजकल चोरों का बहुत जोर है। अपने पास जो रुपया पैसा और आभूषण है, उन्हें एक बड़े संदूक में भर दो। मैं उसे बाग के कुएं में छिपा दूंगा। चोरों ने यह सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। तेनाली रामन ने एक संदूक लेकर उसमें ईंट पत्थर भर दिए। उस संदूक को बगीचे के कुएं में डाल दिया। रात होने पर चोर कुएं पर आए, लेकिन किसी को उसमें घुसने की हिम्मत न हुई। उन्होंने एक उपाय सोचा। वे 3-4 बाल्टियां ले आए और कुएं से पानी निकालने लगे। इस प्रकार वे रात भर पानी निकालते रहे। कुएं को खाली करना कोई आसान काम नहीं था। सवेरा होने पर चोर भागने लगे। तेनाली रामन वहां पहुंच गया। वह भागते चोरों से बोला, भाइयों भागते क्यों हो? मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ। तुमने रात भर मेरे बगीचे में पानी दिया है। जिस प्रकार उत्तर भारत में बीरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में तेनाली रामन के चुटकुले प्रसिद्ध हैं। तेनाली रामन केवल विदूषक ही नहीं था, वह तेलुगु भाषा का एक प्रसिद्ध कवि भी था।